दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बेबी डायपर बनाना सिखाएंगे कि किस तरीके से हम बेबी डायपर घर पे ही इजीली तरीके से बना सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा लें। हमने ये पेपर लिया है, अब हम इसको मेजरमेंट करेंगे। इस पेपर के ऊपर हम मेजरमेंट करेंगे। इसकी टोटल लेंथ लेंगे 10.5 इंच है। इसको हम एक बार और फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, और इसको ओपन करेंगे। ये निशान हो गया यहाँ पे, ये वाला। यहाँ से हम लेंगे 3 इंच, 3 इंच का निशान लेके आएंगे यहाँ से। यहाँ हम रखेंगे 2 से थोड़ा सा ज़्यादा। इसको हम गोलाई दे देंगे इस तरीके से, और नीचे की साइड भी इसको। इस साइज में गोलाई दे देंगे इसकी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब इसको कट करेंगे। अपने हिसाब से छोटा या बड़ा डायपर बना सकते हो, बच्चे के हेल्दी के हिसाब से। बच्चा कैसा है आपका, उसके हिसाब से आप बना सकते हो। इस तरीके का दिखेगा ये। थोड़ी और शेप दे देते हैं इसको। तरीके का हो जाएगा। अब कपड़ा लेंगे। ये कपड़ा लिया है मैंने, इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। इसके ऊपर रखेंगे और कट कर लेंगे। मैंने पहले एक दूसरा कट करके रखा है, उसको हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको कट कर देंगे। मैंने ये पट्टी कट कर ली है, इसके हम लूप बनाएंगे। तकरीबन 1.5 इंच की पट्टी मैंने कट की है। आप अपने हिसाब से मोटी या पतली लूप बना सकते हो।
अपने हिसाब से हम कट कर लेंगे इनको। लगभग 6-6 इंच की मैं रखूंगी इनको। अब हम इसे लेंगे, और इसको अंदर के साइड रखेंगे, इस तरह से ओपन करेंगे और इस पट्टी को अंदर की साइड रखेंगे और इस तरह स्टिच करते चले जाएंगे। एक और पट्टी रखेंगे दूसरी साइड पे, उसको भी हम अंदर के साइड रखेंगे और स्टिच दे देंगे इसको, इन दोनों को अंदर घुसाएंगे और यहां से स्टिच लगा लेंगे। जो ये ओपन एरिया है इसको हम क्लोज कर देंगे और थोड़ा सा एरिया हमने छोड़ दिया है क्योंकि हम इसको पलटेंगे। इस तरीके से इसको सीधा कर लीजिए। आप चाहें तो साइड से पट्टी भी लगा सकते हैं, जो रेक पट्टी होती है उसको आप अटैच कर सकते हो साइड से। जो ये ओपन एरिया है इसको हम क्लोज कर देंगे इस तरीके से फोल्ड करके, इसके ऊपर स्टिच दे देंगे। अब ये लूप लेंगे, इनको हम यहां पे अटैच करेंगे। अब दूसरी वाली लेंगे, इसको भी यहां रखेंगे। अब इनको हम पलट लेंगे और एक स्टिच दे देंगे जिससे कि ये पक्का हो जाए। धागे को कट कर देंगे। अब इनको हम यहाँ पे इस तरीके से स्टिच कर देंगे। जितने आपने लंबी स्ट्रिप रखनी है आप अपने हिसाब से रख सकते हो, दो या 2.5 इंच के आप आराम से रख सकते हो। जैसे कि हमें स्ट्रिप डालने में तकलीफ ना हो, बिल्कुल इजीली तरीके से स्टिच करें हमारी। एक बार और सिलाई लगा हम इसको पक्का कर देंगे और इसको कट कर देंगे, फिर रखेंगे यहाँ पे, और जो ये स्ट्रिप है इनको इसके अंदर डालेंगे।
और इस तरीके से गांठ लगा देंगे। ये देखिए जी, हमारा बेबी डायपर बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।